अभी हाल फिलहाल हरिदास गुरु राघवदास जी महाराज हैं, सरकड़ी हनुमान जी का महंत हूँ और ऐसे खामालिया विरक्त वैष्णव मंडल का श्रीमंत भी हूँ और हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से भारतीय साधु समाज का गुजरात प्रदेश का महामंत्री भी हूँ। उसके नाते मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक सिर्फ साधु के नाते परिक्रमा दरमियान जो कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुआ था और वहाँ अमुक साधु जैसे भारती बापू हमारे महामंडलेश्वर जी कह सकते हैं, लेकिन वो महामंडलेश्वर श्री जूना अखाड़ा के हैं और दो ही महात्मा थे जो कि हमारे परिक्रमा से उनको कोई लगता भगता कोई या कभी भी वो परिक्रमा में क्या होता है, पब्लिक के साथ कैसे क्या होती है वो कुछ जानते नहीं, फिर भी वो वहीवटी तंत्र उनको कैसे बुलाते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ, जबकि उनके परिक्रमा दरमियान में कोई जगह नहीं है, कोई उनकी सेवा नहीं है, कुछ वो जानते नहीं है। और वो सप्तमी के दिन जो परिक्रमा का मांगनी करते हैं, इनका मतलब है कि भारती बापू जो भी है हमारे आदरणीय उनको शायद परिक्रमा के विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एकादशी से परिक्रमा शुरू होता है और पूनम तक चलता है। ये हमारा विधिवत परंपरागत वर्षों से आदि अनादि काल से ही होती है। दूसरी बात की भावना तलेटी की परिक्रमा नहीं है, गिरनार की परिक्रमा है। सत्य ये है 36 किलोमीटर की परिक्रमा में आदि अनादि से वर्षों से हाँ जिनावा मध्य यानी कहता कि दर्वेश्वर वहाँ से शुरू होता है दुधेश्वर से और उसके बाद मारवेला जिनावा मड्डी उसके बाद सरकड़िया हनुमान जी महाराज फिर सूरजकुंड फिर मारवेला फिर बौरदेवी होकर के जाता है। हाँ और इसमें वहीवटी तंत्र के लिए कोई सुविधा नहीं होती अगर सप्तमी से होता है, कारण कि सिर्फ जूनागढ़ के लोकल पब्लिक नहीं आते हैं, बोटाद भावनगर वडोदरा अहमदाबाद बाहर यात्रियों यानी परिक्रमा के लिए भाविक जो भी श्रद्धालु हैं वो आते हैं और उनकी व्यवस्था हम जैसे जंगल में व्यक्ति जो आश्रम लेके बैठे हैं उनको करना पड़ता है, वहाँ कोई सरकारी व्यवस्था होती नहीं है, वो कोई अन्य क्षेत्र नहीं चलाते कि भारती बापू कभी पानी का पर्व भी नहीं खोले और कभी उनको ये पता नहीं है कि वहाँ जगह में रहने वाले जो व्यक्ति महात्मा है और उनको क्या तकलीफ पड़ता है। दूसरी बात वहीवटी तंत्र को सिर्फ दो महात्मा हमारा मंडल का प्रतिनिधि नहीं करता, हम अनेकों महात्मा हैं संत महात्मा हैं जो कि उनको बुलाना चाहिए और उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए और कम से कम हम जो जंगल में अभ्यारण्य में जो महात्मा रहते परिक्रमा का जो सेवा जो भी हम लोग देते हैं उनको बुला करके और चर्चा करनी चाहिए। हाँ इनमें ये भारती बापू और महादेवगिरी बापू को बुला करके ये दो आदमी से चर्चा करके कैसे ये निर्णय ले लेते हैं। हाँ और परिक्रमा के बारे में भारती बापू ये कैसे कहते थे कि सप्तमी को हमने मांगनी की, ये मांगनी उनका गलत है और ये मांगनी को मानना नहीं चाहिए। परिक्रमा विधिवत कहता है कि एकादशी से शुरू होनी चाहिए और गुजराती में ऐसे कहावत है कि उसे कहता देव उठी एकादशी, रात्रि में भगवान को 12 बजे रात्रि में उठाया जाता है, उसका मंत्र भी है। लेकिन मैं अपने श्रद्धालु भक्तों भक्त जितने भी पब्लिक यानी जो भी है हमारे सबसे नम्र विनती है कि वो 11 के दिन ही परिक्रमा करें और पूनम को खत्म करें और वैवट तंत्र के लोग अपनी फोर्स फायर ब्रिगेडर जो भी व्यवस्था हो उसके पहले वो सजग रहे उसके बाद परिक्रमा को चालू करें।